हेलो गाइस, क्या हाल है? कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर जो है न्यूमेरिकल वगैरह डिस्कस किए जा रहे हैं। न्यूमेरिकल डिस्कस किए जाएंगे इसके अंदर। अगर आपने हमारी पहली वाली वीडियो जो है वो नहीं देखी, तो वो लाजमी देख लें, क्योंकि उसके जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर अप्लाई होंगे आज। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर का। तो लेक्चर के स्टार्ट में आप देख सकते हैं हमारे पास आज न्यूमेरिकल मौजूद है। हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं 145। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों को कह रहा है कि द एब्सोल्यूट प्रेशर इन वाटर एट अ डेप्थ ऑफ 5 मीटर। हमारे पास जो है एब्सोल्यूट प्रेशर वाटर में, डेप्थ हमारे पास कितनी दी गई है? 5 मीटर। वहाँ पर जो है मेजर किया गया प्रेशर 145 किलो पास्कल। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारे पास वाटर है। वाटर के अंदर इस जगह के ऊपर हम लोगों ने जो प्रेशर मेजर किया, उसकी वैल्यू क्या थी? 145 किलो पास्कल। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने जो प्रेशर मेजर किया वो था 145 किलो पास्कल, और डेप्थ हमारे पास कितनी थी? 5 मीटर। इसके बाद कह रहा है डिटरमाइन, डिटरमाइन करो द लोकल एटमोस्फेरिक प्रेशर। ये हमारे पास पहला पार्ट में कह रहा है एटमोस्फेरिक प्रेशर, जो ये वाला प्रेशर है ये आप लोग मालूम करके दिखा दें। तो इसका जो फॉर्मूला है वो हम लोगों ने बनाना सीखा था। हम लोग जिस पॉइंट के ऊपर मौजूद है, सबसे पहले हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? एटीएम प्रेशर। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा पी एटीएम, ए टी एम, ये बराबर हो जाएगा हमारे पास इसको प्रेशर एटीएम। अब यहाँ पर जो है वो नीचे जाया जा रहा है। नीचे जब भी जाएंगे, तो हम लोगों ने पहले वाले लेक्चर के अंदर पढ़ा था, नीचे जब भी जाया जाता है हमारे पास क्या होता है? एडिशन होती है, प्रेशर ऐड होता है। तो मैं यहाँ पर प्लस का सिंबल लगाऊंगा। इसके बाद मैं क्या लगाऊंगा? रो जी एच, क्योंकि प्रेशर तो मौजूद नहीं है, मैं रो जी एच की फॉर्म में नीचे जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मेरे पास क्या आ जाएगा? रो, रो आ गया। इसके बाद रो, ये डेंसिटी, डेंसिटी किसकी आएगी? वाटर की डेंसिटी आएगी, क्योंकि मुझे यहाँ पर क्या दिया गया है? वाटर दिया गया। आप लोग देख सकते हैं सवाल में लिखा हुआ है वाटर। इसके बाद रो जी, मेरे पास ग्रेविटी कांस्टेंट होती है। इसके बाद मुझे हाइट कितनी दी गई है? मुझे हाइट दी गई है 5, तो मैं यहाँ पर लिख लूंगा एच। ये बराबर हो जाएगा एंडिंग पॉइंट। एंडिंग पॉइंट मेरे पास क्या है? जब मैंने यहाँ से मैं नीचे चला गया, रो जी एच जितना नीचे चला गया, तो ये मेरे पास बराबर हो जाएगा किसके? हमारे पास बराबर हो जाएगा पी के, जो हम लोगों को दिया गया है 145 एब्सोल्यूट प्रेशर दिया गया है। अब यहां पर मुझे मालूम क्या करना है? एटमोस्फेरिक प्रेशर, एटमोस्फेरिक प्रेशर मालूम करना है। लिहाजा ये जो रो जी एच है, ये कहां पर चला जाएगा? राइट हैंड साइड पे चला जाएगा, इक्वल के राइट हैंड साइड पे चला जाएगा। आप देख सकते हैं अगला स्टेप यहां से किया हुआ है। प्रेशर एटीएम बराबर हो गया पी माइनस रो जी एच के। पी की जगह पर मेरे पास जो वैल्यू दी गई थी मुझे एब्सोल्यूट प्रेशर की, वो मैंने लिख दी। रो की वैल्यू, डेंसिटी वाटर की क्या होती है? सेम कांस्टेंट होती है, 1000, 1000 वैल्यू होती है, याद रखने वाली बात है। ग्रेविटी 9.8, और हाइट मुझे कितनी दी गई है सवाल के अंदर? 5 मीटर। अच्छा, अब यहाँ पर किलो पास्कल दिया हुआ है, लिहाजा ये पूरी वाली वैल्यू को, पूरे फैक्टर को किलो में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या कर दूंगा? 1000 से डिवाइड कर दूंगा। जब मैं 1000 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये वाला फैक्टर भी मेरा किलो के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैं बआसानी अपनी कैलकुलेशन मुकम्मल कर सकता हूँ। तो इस तरीके से मेरा जो पहला आंसर है वो क्या आ जाएगा? 96 किलो पास्कल। ये मेरा एटमोस्फेरिक प्रेशर, इसका पहला वाला पार्ट सॉल्व हो चुका है। अब अगर दूसरे वाले पार्ट में गौर करें, दूसरे वाले पार्ट के अंदर बोल रहा है द एब्सोल्यूट प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर मालूम करें एट अ डेप्थ ऑफ 5 मीटर। पहले 4 मीटर थी, अब आप लोगों ने एब्सोल्यूट प्रेशर मालूम करना है 5 मीटर की डेप्थ के ऊपर। और लिक्विड जो है अब क्या कर दिया गया? तब्दील कर दिया गया, जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है? 0.85 है। पहले वाटर था, अब कह रहा है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी भी तब्दील कर दी गई। तो यहां पर हम लोग अगर फॉर्मूला देखें ना, स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला हमारे पास होता है एस जी। स्पेसिफिक ग्रेविटी को डिनोट करते हैं एस जी से। इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है अपाउन रो ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय रो ऑफ वाटर।
अब यहाँ पर आप लोगों ने उस लिक्विड की डेंसिटी मालूम करनी है, तो ये जो रो ऑफ वाटर है जो कि आप लोगों को मालूम है 1000 होती है, आप स्पेसिफिक ग्रेविटी से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, रो ऑफ लिक्विड आ जाएगा। रो ऑफ लिक्विड आप लोगों के पास आ चुका है, हाइट आप लोगों को दी हुई है और एटमोस्फेरिक प्रेशर आप लोग निकाल चुके हैं। अब आप लोगों को दूसरे वाले फॉर्मूले में, दूसरे वाले पार्ट में क्या मालूम करना है, पी मालूम करना है ना, डेप्थ के ऊपर आपके पास रो मौजूद है, यहाँ से आप रो निकाल लेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.85 मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देंगे, रो आ जाएगा। हाइट आप लोगों को दी गई है 5 मीटर, 5 ले लेंगे और वहां से क्या अकेला कर देंगे, अब इस कंडीशन के अंदर पी अकेला कर देंगे। तो यहाँ पर आप नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देख सकते हैं, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर वाजे तौर पे यही काम किया गया है, द एब्सोल्यूट प्रेशर एट अ डेप्थ ऑफ 5 मीटर इन द अदर लिक्विड इज, अदर लिक्विड के अंदर, दूसरे लिक्विड के अंदर क्या होगा ये देख सकते हैं आप लोग, वहां पर जो हम लोग वही इक्वेशन को मॉडिफाइड कर दिया गया, यहाँ वो पहले वाली इक्वेशन हमारे पास क्या थी, एटमोस्फेरिक प्रेशर जो था ए से जाहिर कर रहा हूं मैं, एटमोस्फेरिक प्रेशर बराबर था हमारे पास रो जी एच के, रो जी एच माइनस कर रहे थे माइनस पी से। अब हम लोग ये वाला पी क्या कर रहे हैं, सॉरी ये जो हमारे पास रो जी एच का फैक्टर था ये माइनस में था, ये प्लस में था, तो अब यहाँ पर पी हम लोग मालूम करेंगे, ये वाला फैक्टर वहां चला जाएगा, क्या हो जाएगा, पी अकेला हो जाएगा और पी हम लोग क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। आप लोग देख सकते हैं रो भी इस तरीके से फाइंड आउट किया गया, जैसे आप लोगों को बताया था 1000 से मल्टीप्लाई किया गया, रो आप लोगों के पास आ गया, एटमोस्फेरिक प्रेशर जो आप लोगों ने मालूम किया था वो रखा, इसके बाद रो आप लोगों ने मालूम किया 850 आया, ग्रेविटी की वैल्यू कॉन्स्टेंट है 5 और अभी भी क्योंकि किलो पास्कल में कन्वर्ट कर रहे हैं, 1000 से क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया। इस तरीके से हमारे पास दूसरा पार्ट क्या हो गया, सॉल्व हो गया, हमारे पास दूसरा पार्ट का आंसर क्या आ रहा है, 137.7 किलो पास्कल। ठीक है, इसके बाद हम लोग अपने अगले न्यूमेरिकल की जानिब बढ़ते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 187 बुक सेंजल का जो है वो डिस्कस किया जा रहा है यहाँ पर। तो सवाल में कहता है द पायलट ऑफ एन एरोप्लेन रीड्स द अल्टीट्यूड, जो हमारे पास पायलट यहाँ पर बैठा गया है एरोप्लेन के अंदर, जो पायलट बैठा गया है वो रीड कर रहा है हाइट, हाइट उसने कितनी नोट की, 3 किलोमीटर या फिर 300 मीटर कह लें, एक ही बात है। एन एब्सोल्यूट प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर मतलब कि उस जगह का प्रेशर, यहाँ का प्रेशर उसने कितना नोट किया, उसने नोट किया हमारे पास 58 किलो पास्कल। एब्सोल्यूट प्रेशर मतलब कि उस एरोप्लेन की बात कर रहा है, उस एरोप्लेन के अंदर 58 किलो पास्कल का प्रेशर नोट किया गया। व्हेन फ्लाइंग ओवर अ सिटी कैलकुलेट द लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन द सिटी इन किलो पास्कल एंड इन मिलीमीटर ऑफ द मर्क्यूरी, आप लोगों ने जो है जमीन का, ये हमारे पास लेट सपोज जमीन के ऊपर जहां लैंड है वहां का प्रेशर मालूम करना है, यहां का प्रेशर मालूम करना है क्या होगा, और कह रहा है उसका जो प्रेशर है दो जगहों से मालूम करो, किलो पास्कल में भी और मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी के अंदर। अब यहाँ पर ये टेक द डेंसिटीज ऑफ द एयर, डेंसिटी ऑफ द एयर दे रहा है, एयर की डेंसिटी इतनी है और एंड मर्क्यूरी, और मर्क्यूरी की डेंसिटी हम लोगों को दे रहा है इतनी 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब रिस्पेक्टिवली। अब क्या किया जाएगा यहाँ पर, सबसे पहले तो हम लोग अपनी इक्वेशन लिखेंगे ना, इक्वेशन लिखने आप लोगों को आनी चाहिए, यहाँ का प्रेशर क्या हो जाएगा हमारे पास, मैं पी ले लेता हूँ क्योंकि पी से डिनोट कर दिया गया पी। अब मैं नीचे जा रहा हूँ, नीचे जाऊंगा तो मैं क्या लगाऊंगा, प्लस का सिंबल, प्लस आ गया और क्या आ जाएगा, रो, रो आ गया, ये जो रो होगा ये किसका होगा, एयर का, क्योंकि आप एयर के अंदर जा रहे हैं, तो यहाँ पर मैं क्या लगा दिया, ए लगा दिया, रो जी, ग्रेविटी कांस्टेंट होती है तो मेरे पास क्या आ गया, जी आ गया। इसके बाद हाइट में, हाइट कितना जा रहा हूँ वो आ जाएगी एच, और जहाँ पर मेरा एंडिंग पॉइंट है, एंडिंग पॉइंट मेरा क्या है, एंडिंग पॉइंट मेरा है एटमोस्फेरिक प्रेशर, क्या है, एटमोस्फेरिक प्रेशर, तो ये बराबर हो जाएगा पी एटीएम के, पी एटीएम के। अब यही तो सवाल में मालूम करने के लिए बोला है, पी एटीएम ही तो मालूम करना है, पी आप लोगों को दिया हुआ है, रो, रो आप लोगों को दिया हुआ है 1.15, ग्रेविटी दी हुई है, एच दिया हुआ है, आप इसको किससे डिवाइड कर दोगे, 1000 से, क्योंकि आप किलो में कन्वर्जन कर रहे हो, 1000 से डिवाइड कर दोगे आप लोग, तो यहां पर आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, प्रेशर एटीएम आ जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में देखें, यही इसी तरीके से सॉल्व किया गया है, ये रही हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड, यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग पी एटीएम बराबर है एब्सोल्यूट प्रेशर प्लस
रो जी एच के एब्सोल्यूट प्रेशर वही जो जगह के ऊपर मालूम किया गया 58, रो की वैल्यू रखी, ग्रेविटी यहाँ पर 3000 डिवाइडेड बाय 1000, मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया मेरा एटमोस्फेरिक प्रेशर आ गया। अब अगले स्टेप के अंदर कह रहा है ये एटमोस्फेरिक प्रेशर को आप कन्वर्ट करके दे मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी के अंदर, तो वो कैसे कन्वर्जन होगी वो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस स्लाइड के अंदर। हमारे पास जो है रो जी एच जी एच इज इक्वल टू एटमोस्फेरिक प्रेशर जो हम लोगों ने मालूम किया है। अब यहां पर आप क्या करेंगे, यहां पर जो रो है ना रो, अब एयर का यूज नहीं होगा, अब ये किसका यूज होगा, मर्क्यूरी का, मर्क्यूरी का रो आप लोग यूज कर लेंगे। तो आपके पास जो है यहां पर देख सकते हैं रो जो है मर्क्यूरी का यूज किया गया, ग्रेविटी की वैल्यू जो है कांस्टेंट है, और यहाँ पर पहले 1000 से मल्टीप्लाई किया गया, क्योंकि याद रखिएगा जब भी हम लोग जो है इसकी कन्वर्जन करते हैं मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी में जाते हैं तो क्या करते हैं 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, किलो को हटाते हैं और पास्कल के अंदर लाते हैं, किलो को हटाते हैं और पास्कल में लाते हैं सिंपली। इसके बाद क्योंकि ये जो यहाँ तक जो आंसर आ रहा होगा ना, यहाँ तक इस इतने फैक्टर तक ये आ रहा होगा मीटर के अंदर, आंसर किसके अंदर आ रहा होगा मीटर के अंदर, लिहाजा इसको मीटर से मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग ने क्या कर दिया 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये किस में चला जाएगा, मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी के अंदर चला जाएगा। इस तरीके से हम लोग इसका जो आंसर है वो किस में ले आएंगे, मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी में। याद रखिएगा रो जो है मर्क्यूरी का इस्तेमाल करा जाएगा और यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई इसलिए इस वजह से किया क्योंकि किलो पास्कल को पास्कल में कन्वर्ट किया, इसके बाद 1000 से एक और बार मल्टीप्लाई किया क्योंकि मीटर को मिलीमीटर में हम लोगों ने कन्वर्ट किया। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करने लगते हैं, सॉल्व करने जाते हैं। अच्छा तो सवाल की शुरुआत में कह रहा है द गेज प्रेशर ऑफ द एयर इन द टैंक इज शोन इन द फिगर इज मेजर टू बी 80 किलो पास्कल। इस पूरे टैंक के अंदर जो प्रेशर है वो हम लोगों को दिया गया है 80 किलो पास्कल, ठीक है। डिटरमाइन द डिफरेंशियल हाइट, ये जो हाइट है ये आप लोगों ने क्या करनी है, मालूम करनी है डिफरेंशियल हाइट ऑफ द मर्क्यूरी कॉलम, मर्क्यूरी कॉलम की। तो सबसे पहले तो आप लोग क्या करेंगे, पेपर के अंदर ये सवाल जब भी आए ना, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी देख रहे हैं मतलब कि आप लोगों को रो नहीं दिया गया, स्पेसिफिक ग्रेविटी को आप लोग रो में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर देंगे, दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 1K, 1K लिख दिया मतलब कि आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, क्योंकि वाटर की जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है 1000 होती है, तो वाटर की डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे आप लोगों के पास क्या आ जाएगी, मर्क्यूरी की डेंसिटी आ जाएगी और ऑयल की डेंसिटी आ गई। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने इन दोनों की डेंसिटी निकाल ली। अब आप क्या करेंगे, यहां पर अगर गौर करें तो एक प्रेशर यहां पर क्रिएट होगा एयर के अंदर इस पॉइंट के ऊपर और एक प्रेशर जो है वो इस पॉइंट के ऊपर क्रिएट होगा। तो बच्चे क्या समझते हैं कि यहां पर जो प्रेशर क्रिएट होगा वो दिया गया 80 किलो पास्कल, लेकिन दर हकीकत ये नहीं है। असल बात क्या है कि यहाँ का प्रेशर, प्रेशर ऑफ एयर और प्रेशर ऑफ ऑयल का जो डिफरेंस है वो मुझे क्या दिया गया 80 किलो पास्कल। याद रखिएगा गौर से सुनिए बात, यहाँ का एयर का प्रेशर जो है ये 80 किलो पास्कल नहीं है, ये जो 80 किलो पास्कल है ये पूरे इस सिस्टम का इस सिस्टम का प्रेशर है, मतलब कि एयर का प्रेशर और इस प्रेशर का, यहाँ पर जो प्रेशर क्रिएट हो रहा होगा पी, पी का नाम दे देता हूँ अगर मैं इसको, इसको नाम दे देता हूँ पी वन का, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या होगा 80 किलो पास्कल। अब सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे, लेट सपोज मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूँ एयर से, तो मैं एयर का प्रेशर ले रहा हूँ पी वन ले लेता हूँ, मैं पी वन ले लिया। इसके बाद अगर गौर करें मैं कहाँ जा रहा हूँ, नीचे की तरफ मूव कर रहा हूँ ना, पहले मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ डाउनवर्ड, तो मैं यहां पर क्या लगा दूंगा प्लस का सिंबल, प्लस का सिंबल लगा दिया। इसके बाद मेरे पास क्या आ जाएगी, सबसे पहले डेंसिटी कंसिडर कर ली जाएगी, रो रो ऑफ वाटर, रो ऑफ वाटर आ गया। इसके बाद ग्रेविटी कांस्टेंट है वो आ गई, इसके बाद हमारे पास क्या आ गई, ग्रेविटी आ गई, ठीक है। और हाइट हम लोग क्या ले लेंगे, 30 सेंटीमीटर ले लेंगे, 30 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे,
एक्सपोनेंट -2 लगा दें, तो यहाँ पर h में लिख देता हूँ, h1 लिख दिया मैंने, ठीक है। इसके बाद आप जो है इस कॉलम से मूव कर जाएंगे इस कॉलम में, यहाँ से मूव कर जाएंगे आप लोग इस कॉलम में। अब यहाँ से जो है आप ऊपर जाना शुरू करेंगे तो आप लोग क्या लगा देंगे, माइनस माइनस लगाएंगे और क्या लिखेंगे, रो ऑफ मर्क्यूरी, रो एम, जी को तो वैल्यू कांस्टेंट है, और अब जो हाइट है, अब हाइट आप लोगों ने मालूम करनी है एच, तो यहाँ पर सिंपल हमने क्या लिख दूंगा, एच। अब आप और ऊपर जा रहे हैं तो आप दोबारा से माइनस का सिंबल यूज करेंगे, माइनस, अब क्या आ जाएगा, रो ऑफ ऑयल, रो ऑफ ऑयल आ गया, जी आ जाएगा सेम, और आपके पास क्या आ जाएगा, एच थ्री कर लें, एच थ्री जो कि मेरे पास बराबर है किसके, 75 के, ये बराबर हो जाएगा आप लोगों का पी के, पी टू के। अब आप लोगों ने यहां से अकेला क्या करना है, एच, तो आप इन तमाम के तमाम फैक्टर को क्या कर देंगे, राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे और इसको यहां पर ले आएंगे। देखें अगली स्लाइड में यही काम किया गया है, यहां से जो है स्टार्ट किया जाना, पी वन आया, रो डब्ल्यू जी नीचे गया, फिर यहां पर मैं इस कॉलम से इस कॉलम में शिफ्ट आउट हुआ, फिर ऊपर गया तो माइनस रो मर्क्यूरी जी एच ऑफ मर्क्यूरी, फिर माइनस रो ऑफ ऑयल और जी जी एच ऑफ ऑयल इज इक्वल टू पी ए टी एम। अब पी ए टी एम को जो है मैंने यहां से इक्वल के इस तरफ शिफ्ट आउट किया और ये तीनों फैक्टर जो हैं, ये तीनों फैक्टर्स को मैंने जो है कहाँ पर शिफ्ट आउट किया, राइट हैंड साइड पर शिफ्ट आउट किया। अब ये दोनों प्रेशर एक प्रेशर मिलके बना देंगे जो कि क्या होगा, 80 किलो पास्कल, इन दोनों का डिफरेंस, रो ऑफ ऑयल। अब यहाँ से जो है, यहाँ से आप लोग इक्वेशन को सॉल्व करते हुए सारी वैल्यूज आप लोगों को मौजूद है, रो ऑफ ऑयल मौजूद है, एच मौजूद है, एच ऑफ ऑयल मौजूद है, यहाँ से आप इसको अकेला कर देंगे, मर्क्यूरी की हाइट को अकेला कर देंगे और इसको क्या कर देंगे, फाइंड आउट कर लेंगे, तो आप लोगों का आंसर क्या आएगा, 0.582। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जाते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन ये दिया गया है। अब यहाँ पर जो है, द वाटर इन द टैंक इज प्रेशराइज इज शोन डिटरमाइन द गेज प्रेशर ऑफ द एयर इन द टैंक। अब इस सवाल के अंदर जो है ना, आप लोगों को यहाँ इस पी वन और पी टू का डिफरेंस मालूम करना है, ये जो हाइट है एच वन एच टू एच थ्री ये दी गई है। अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि मुझे इसकी इक्वेशन बना के दिखाएं तो आप लोग कैसे बनाएंगे, देखें यहाँ पर गौर करें, आप लोग बोलेंगे सर सबसे पहले आप लिख दें पी वन, जो इस पॉइंट नंबर वन का प्रेशर है पी वन, ठीक है। अब यहां से मैं कहां मूव कर रहा हूँ, नीचे की तरफ मूव कर रहा हूँ ना, यहां से मैं नीचे की तरफ मूव कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, रो ऑफ वाटर, रो ऑफ वाटर जी एच वन। अब जो है आप लोग गौर करें, एक बार वोटर में से आ गए ना, अब ये जो हाइट है, ये हाइट आप लोगों को दोबारा से वोटर की नहीं दे रहा, मतलब कि एक बार वोटर की हाइट दे दी, अब दोबारा से वोटर की हाइट नहीं देगा, अब आपको दूसरे फ्लूड की हाइट देगा, और दूसरा फ्लूड आप लोगों के पास क्या है, ऑयल। तो अब आप यहाँ पर आ गए इस पॉइंट के ऊपर, अब आप नीचे और कितना नीचे जा रहे हैं, यहाँ पर नीचे जा रहे हैं ऑयल के, उसमें नीचे कॉलम में जा रहे हैं, तो दोबारा से क्या हो जाएगा, प्लस। वाटर में तो एक बार हो गया ना भाई, अब ऑयल की बारी है, अगर एग्जामिनर ऐसे ही होता तो एक ही हाइट देता, दो दो हाइट नहीं देता, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रो ऑफ ऑयल, रो ओ लगा दिया मैंने, जी एच टू। अब मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, अब मैं यहाँ पर शिफ्ट आउट हो जाऊंगा राइट हैंड साइड पर, और कहाँ मूव करने लगूंगा, ऊपर की जाने, ऊपर मैं अपने एंड पॉइंट पे जा रहा हूँ, तो माइनस ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, रो, अब मुझे क्या दिया गया है, रो ऑफ ये क्या है, मर्क्यूरी, तो मैं एम लगा देता हूँ, एम जी लगा दिया मैंने, और यहाँ की जो हाइट है, ये हाइट मुझे क्या दी गई है, एच थ्री दी गई है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, एच थ्री। अब जब मैं एंड पॉइंट पे पूछूंगा क्या लगा दूंगा, हमेशा इक्वल, और ये मेरे पास बराबर हो जाएगा किसके, पी प्रेशर टू के, पी टू के। अब आप लोग क्या करेंगे, आप लोगों को रो ऑफ डब्ल्यू मालूम है कितना होता है, 1000 जी, एच वन की वैल्यू एग्जामिनर देगा, आगे आएगी उसकी वैल्यू, रो ऑफ ऑयल भी आप लोगों को देगा, जी एच टू, ये सारी वैल्यूज जो है ना आपको एग्जामिनर दे रहा होगा, बस आप लोगों ने मालूम क्या करना है, आप पी टू को इधर शिफ्ट आउट करेंगे राइट हैंड साइड पे, और इस पूरे लेफ्ट हैंड साइड पे सॉरी, और इस पूरे फैक्टर को जो है आप लोग शिफ्ट आउट करेंगे राइट हैंड साइड पे, और इस तरीके से आप लोग क्या निकालेंगे, इसका डिफरेंस। देखें यहाँ पर यही सारा काम किया गया है, नीचे जा रहा है फिर ऊपर जा रहा है, तो माइनस, इसके बाद क्या किया गया, पी,
यहाँ पर जो है पी एटीएम को यहाँ पर लेके आ गए ये लोग, पी माइनस पी एटीएम हो गया, जी कॉमन निकाल लिया, इस पूरे प्रेशर को एक प्रेशर का नाम दे दिया, गेज प्रेशर का, डिफरेंस प्रेशर का नाम दे दिया। अब ग्रेविटी की वैल्यू इसने लिख दी, मर्क्यूरी की डेंसिटी इसने लिखी सबसे पहले, और H3 हम लोगों को एग्जामिनर ने दी थी वो इसने लिखी 0.46, ठीक है। इसके बाद वाटर की इसने लिखी 1000, और वाटर की हाइट हम लोगों को दी गई थी H1 दी गई थी 0.2। इसके बाद डेंसिटी ऑफ इसने क्या लिखी, डेंसिटी ऑफ ऑयल लिखी 850, H2 की वैल्यू क्या दी थी 0.3। इस पूरे फैक्टर को 1000 से क्या किया, डिवाइड किया, ताकि हमारा जो आंसर आया वो किसके अंदर आए, किलो पास्कल के अंदर आए, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास ये आ रहा है यहाँ पर ये। अब ये सबसे आसान क्वेश्चन है और एग्जामिनर पूछता भी है ये। हमारे पास 10 मीटर की हाई सिलेंड्रिकल कंटेनर है, उसके अंदर इक्वल वॉल्यूम मतलब के बराबर बराबर वॉल्यूम है वाटर का और ऑयल का, ठीक है। द प्रेशर डिफरेंस मालूम करो, द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टॉप एंड द बॉटम। तो यहाँ पर अगर मैं इस प्रेशर को कंसिडर करता हूँ पी टॉप पी टी, सही है, और यहाँ के प्रेशर को मैं कंसिडर करता हूँ पी बी, तो किस तरीके से किया जाएगा। आप स्टार्टिंग पॉइंट आपका क्या है, पी टी, पी टी और पी बी का आप लोगों ने डिफरेंस लेना है, तो पी टी बराबर हो जाएगा इज इक्वल टू, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, रो ऑफ पहले किसका आएगा, ऑयल का, ऑयल का आ गया, जी की वैल्यू कांस्टेंट है, जी आ गया, एच जो है एच किसका आएगा, एच जो है वो आप क्या ले लेंगे, H1 ले लेंगे, H1 आपके पास कितना होगा 10 का हाफ, मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हाइट होगी ना, ये अगर पूरी 10 है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट कितनी होगी आप लोगों की, 5 होगी, जाहिर है 5। अब ये आप लोगों के पास आ गया, फिर आप और नीचे जा रहे हैं वॉटर का आ रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, रो ऑफ W G H2। अब एंड पॉइंट के ऊपर जैसे ही आप लोग आ गए, अच्छा यहाँ पर एक मिस्टेक कर दिया हम लोग, यहाँ पर इक्वल नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ पर जो है प्लस का सिंबल आएगा, प्लस का, प्लस क्योंकि यहाँ से आप लोगों ने स्टार्ट किया था। एंड पॉइंट जैसे ही आप लोगों के पास आया, आप लोग क्या लगा देंगे, पी बॉटम लगा देंगे, प्रेशर एट द बॉटम आ गया। अब आप लोगों ने मालूम क्या करना है, टॉप और बॉटम का डिफरेंस ना, तो बॉटम वाले फैक्टर को आप पूरे को कहाँ मूव कर देंगे, यहाँ पर मूव कर देंगे आप लोग। तो अच्छा एक और बात, यहाँ पर जो प्रेशर है, प्रेशर याद रखना पॉजिटिव के अंदर आता है, तो अगर आप इसको बॉटम प्रेशर को लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करते हैं ना, तो ये जो पूरा फैक्टर है ये नेगेटिव में हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने अकेला करना है, लिहाजा मैं इसको यहाँ पर मूव नहीं कर रहा, बल्कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास ये जो टॉप प्रेशर है, प्रेशर एट द टॉप है, इसको मैं कहाँ पर मूव कर रहा हूँ, राइट हैंड साइड में मूव कर रहा हूँ, ताकि मेरा जो प्रेशर है वो क्या है, पॉजिटिव आए। पी बी माइनस पी टी मेरे पास क्या हो जाएगा, प्रेशर डिफरेंस, और इसके अंदर मैं क्या कर दूंगा, ये मेरे पास ये रह जाएगा लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर, रो ओ जी H1, रो ऑयल, ऑयल का मेरे पास रो क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, रो ऑफ ऑयल आ जाएगा, डेंसिटी ऑफ ऑयल आ जाएगी। H मुझे दिया हुआ है 9.8, H1 मेरे पास 5 है, प्लस कर दूंगा मैं रो ऑफ W, वाटर की डेंसिटी कॉन्स्टेंट होती है 1000, ये आ गई, जी की वैल्यू मुझे दी गई है 9.8, और 5 मुझे दिया गया उसकी हाइट। अब यहाँ से 1000 को दोबारा से पूरे पूरे फैक्टर से देख रहे हैं आप, यहाँ पर होल है, होल 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 डिवाइडेड बाय 1000, तो मेरे पास आंसर किस में आ जाएगा, किलो पास्कल में आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स फिनिश हुए, यहाँ पर हम लोगों ने उसको ख़त्म कर दिया है। इसके बाद आप लोग जो है बुक सेंजल के 5th एडिशन के न्यूमेरिकल सॉल्व करें, सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो रहे होंगे, अगर कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व ना हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनको इसकी ज़रूरत है, जिनको चीज़ें समझ में नहीं आती, उनके साथ शेयर करें, ताकि उन लोगों को चीज़ें समझ में आए और वो एग्ज़ाम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकें। थैंक यू।